घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बाजे रे मुरलिया बाजे, पंडित भीमसेन जोशी जी और लता जी की आवाज में ये भजन आपने कई बार सुना होगा और कई बार इच्छा हुई होगी आपकी कि ये भजन आप भी अगर सीख पाते तो उसका क्या तरीका है कि कैसे आप सीख सकते हैं। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि रियाज ऐप की मदद से कैसे कुछ कृष्ण भजन भी आप सीख सकते हैं और उन कृष्ण भजनों में एक ये भजन भी शामिल है। तो आज हम कोशिश करेंगे थोड़ा इस भजन को समझने की और इसके स्वरों को लगाने की, है ना। तो इसमें आप जब रियाज ऐप इंस्टॉल करते हैं एंड उसमें जब पूरा सेटअप कर लेते हैं, आईडी वगैरह बना लेते हैं, उसके बाद आप उसमें अपने सेक्शंस सिलेक्ट करते हैं कि आपको क्या सीखना है। हिंदुस्तानी क्लासिकल सीखना है आपको, वेस्टर्न सीखना है आपको, भजन सीखना है, फिल्मी सीखना है, जो भी है। फिर उसमें एक भजनों का ऑप्शन भी आता है। तो जब आप भजन सिलेक्ट करते हैं तो उसमें भी कई प्रकार के भजन हैं, कबीर भजन है, कृष्ण भजन है। तो हम कृष्ण भजन आज हम देखने जा रहे हैं और उसमें भी पर्टिकुलर हम इस भजन के बारे में बात करेंगे, बाजे रे मुरलिया बाजे। तो इसमें स्केल आप अपना अपना सेट कर सकते हैं अलग अलग। तो मैंने इसमें जो स्केल सेट किया है वो पहली सफ़ेद जो है सेट किया है, उस अनुसार जो है वो जो गुरु आपको सिखाएंगे उनका स्केल भी उसी अकॉर्डिंग होगा। अब आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने थोड़ा सा चलन इसका गाया, तो ये एग्जैक्ट कोई एक राग तो मैं कह नहीं सकता, पर इसका चलन जो है पटदीप से काफ़ी मिलता जुलता है, निसा ग म प निसा। जैसा कि अगर आप भीमपलासी आपने सीखी है तो आप जानते हैं कि घ नी कोमल वाली राग है, निसा ग म प निसा सा नी ध प म ग रे सा। तो उसी प्रकार से पटदीप जो है उससे काफ़ी सिमिलर राग है, बस उसमें निषाद जो है वो शुद्ध लगता है, निसा ग म प निसा ही है मगर निषाद शुद्ध है। लेकिन इस भजन में दोनों निषादों का प्रयोग है, है ना, इसीलिए मैं कह नहीं सकता कि एक कोई एक पर्टिकुलर राग है। सा नी सा ग म प नी सा सा नी द प म ग रे सा, ये प्योर पटदीप है। लेकिन इसमें एक जगह जो भजन में जो अंग आता है वो कुछ यूं है, यहाँ कोमल निषाद जो है अवरोहात्मक लग रहा है। तो आइए हम थोड़ा सा एक बार देखते हैं कृष्ण भजन आप सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद इसमें स्मॉल फ्रेजेस का ऑप्शन आता है तो उसको आप समझें। ईयरफोन लगाने पड़ेंगे इसके लिए, मैंने स्पीकर पे कनेक्ट कर रखा है इस एप्लीकेशन को। तो कैसे हम गा सकते हैं इसके साथ साथ ही, तो इसमें भी आ रहा है पहले आप सुने लिसन देन प्रैक्टिस का ऑप्शन आ रहा है, तो हम पहले सुनेंगे ग म प नी नी, फिर यहाँ पे आपको गाना था बाजे रे म। आप देख सकते हैं इसमें पहले नोटेशन गवे हैं, उसके बाद उसी के ऊपर जो शब्द जो है वो कैसे सेट होंगे, है ना। हम फिर से एक बार देखते हैं इसको, हम इसको रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। ग म प नी नी ग म प नी नी बाजे रे मु बाजे रे मु सा ग रे सा रलिया रलिया सा पानी पग बाजे बाजे ग म प नी नी। अब इसमें आप इसको रिज्यूम कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, बैक कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें कर सकते हैं, है ना। फिर आप अगर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं
तो इसमें हम शब्दों को भी सीखते हैं। ये तो आप छोटे छोटे फ्रेजेस सीख जाएंगे, उसके बाद इसे आप पूरा एक साथ भी गा सकते हैं। अब इसमें जो शब्द हैं, पहले आप शब्द अपने नोट कर सकते हैं कॉपी में अलग से, और इसमें तो आएंगे ही साथ में, और ताकि उन शब्दों की क्या है, जो सेंटेंसेस क्या क्या बन रहे हैं वो आपको पता रहे, क्योंकि इसमें तो छोटे छोटे फ्रेजेस गव रहे हैं। कभी बाजे रे मुँह, अब मुँह का कोई शब्द अर्थ नहीं है, वो जो कंपोजिशन के अनुसार जो फ्रेज उन्होंने बनाया है उसमें मुँह उन्होंने पहले ले लिया है, वरना मुरलिया एक शब्द है। बाजे रे स्केल नहीं बदला है, बस वॉइस जो है वो बदल गई है, फीमेल हो गई है। इसमें और आगे जा सकते हैं सरगम, फिर आप परफॉर्म करना चाहें तो पूरा। तो अलग अलग तरीके हैं इसमें, और भी भजन आप सीख सकते हैं, जैसे कि एक इसमें नैनन में नंदलाल करके एक भजन है ना, जो कृष्ण भजन जो सीखना चाहते हैं, जो ज़्यादा क्लासिकल नहीं जानना चाहते हैं, जो सिर्फ भजनों को सीखना चाहते हैं, उनके लिए एक ऑप्शन है। आप तैयार कर सकते हैं अपने कुछ भजन, कुछ गीत, कुछ फिल्मी गाने, है ना। तो अब देखिए ये कैसा है। नीदा पग सा ग ग नैनन में नंद है ना। ऐसे करके जो है छोटे छोटे भजन भी आप इसमें समझ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी एक एप्लीकेशन है जिसके ज़रिए आप सीख सकते हैं। और अगर आप इसे ख़रीदना चाहें तो इसका जो प्रीमियम वर्जन है उसमें आप SPW का कोड यूज़ करके 10% डिस्काउंट भी पा सकते हैं, तो बेनिफिट होगा। तो एक्सप्लोर कीजिए इस एप्लीकेशन को, लिंक और कूपन कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसे ही देखते रहें संगीत प्रभा वर्ल्ड की वीडियोज़ को, और ऐसे ही मैं और भी टॉपिक्स लाता रहूँगा। ठीक है, धन्यवाद।